जनपद कासगंज के ब्लॉक अमामपुर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह पर गुंडई करने का आरोप लगा है, जो पूर्व प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख पर अविनाश कुमार ने लगाया है। अविनाश ने मंडलायुक्त को रजिस्टर्ड डाक से क्षेत्र पंचायत सदस्य की 26 कार्यों की सूची पर आपत्ति की थी तथा सरकारी धन का दुरुपयोग की शिकायत की थी, जिसकी जांच करने प्रवेदिक परीक्षक विवेक वाष्णेय विकास खंड अमामपुर पहुंचे, जहां शिकायतकर्ता अविनाश कुमार मौजूद था। जब मौके पर जांच करने जा रहे जांच अधिकारी के साथ अविनाश जाने लगा तो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने अविनाश के हाथ पैर तोड़ने एवं जान से मारने की धमकी दे डाली तथा मारपीट के लिए भी दौड़ने का आरोप लगाया। इससे पूरी तरह प्रतीत होता है कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सत्ता के नशे में चूर हैं, जो सत्ता के बल पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार है, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम लोधीपुर, सोनपुर डेंगरी से। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे घटना साथ ये हुई कि मैंने 27 तारीख को रजिस्ट्री की थी आयुक्त के यहाँ पे जी, सरकारी धनराशि के दुरुपयोग में और अनियमितताओं के खिलाफ की थी मैंने जी। जो भी कार्य पक्के हुए या छोटे हुए उन पर शिकायत मैंने दर्ज कराई थी, और जब यहाँ टीम आ गई थी तो मुझसे आधा घंटा पूर्व आज मुझे बताया गया, तो मैं समय पर आ गया था। जब जाँच हो रही थी तो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने मुझे मारने की कोशिश की और बार बार मुझ पर मारने के लिए दौड़ रहा था मारने के लिए, तो अधिकारियों ने वहाँ पे मना कर दिया। फिर जब मैं ऊँचा गांव की बात हुई तो मुझे ले जाने की उन्होंने कहा, तो उसने कही कि हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे अगर तू हमारे साथ गया तो, और यहाँ पे बदसलूकी करते हुए मेरे साथ अन्याय कर रहा था। कौन से ब्लॉक का मामला? ये अमापुर ब्लॉक का मामला है। किसी अधिकारी से आपने शिकायत की? हाँ, मैंने अधिकारी से शिकायत की थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।